वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की और साथ के साथ बात करेंगे शिबा इनू कॉइन की भी। लेकिन अगर आप क्रिप्टो मार्केट को देखेंगे, जो सिचुएशन चल रही है काफ़ी टाइम से और जो मई मंथ हमको दिखा रहा है, वो एक क्रैश यहाँ पे दिखा रहा है और एक क्रैश हमको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल क्रैश देखने को मिल रहा है। और मई के फर्स्ट डे से ही हम ये चीज़ देख रहे हैं। और यहाँ पे फाइनली बिटकॉइन ने जो लेवल्स हमको कल रात को दिखाए वो $29,000 के भी दिखा दिए, जो कि एक्सपेक्टेड थे, और $29,000 के दिखा दिए। अब यहाँ से मूवमेंट बहुत ज़रूरी है कि बिटकॉइन यहाँ से अब रिकवर करके दिखाएगा या फिर जो 29 का एक जो लेवल हमको दिखाया उससे भी नीचे का लेवल्स वेट कर रहे हैं बिटकॉइन का या पूरी क्रिप्टो मार्केट, उससे भी नीचे जा सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है और जाने को चांसेस हैं कि थोड़ा सा और मार्केट आपको नीचे जाती हुई दिख सकती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मार्केट की रिकवरी भी आपको देखने को मिल सकती है और एक फास्ट रिकवरी मार्केट यहाँ पे करके दिखाएगा आपको। लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन अभी यहाँ पे ऐसी है कि मार्केट किसी भी तरफ जा सकता है। अभी यहाँ पे कोई सिचुएशन यहाँ पे बुलिश या फिर मार्केट की रिकवरी की ऐसी कोई अपडेट नहीं है, ना ही कोई गुड न्यूज़ आ रही है जो मार्केट को आगे ऊपर लेके जाए। तो यहाँ पे बिटकॉइन के जो अभी करंट लेवल चल रहे हैं वो 31,300 पे चल रहे हैं, मतलब 31,500 को क्रॉस करके उस लेवल पे बिटकॉइन अभी चल रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे 29 को हिट करके कल रात को ही 30 को क्रॉस किया, फिर 30 से 31 पे वापस आया और 32 से 29 तक भी बिटकॉइन कल शाम से लेके, मतलब कल इवनिंग से लेके नाइट तक ये सब चीज़ें हुई हैं। और यहाँ पे बिटकॉइन अभी फिर से 31 का जो एक लेवल है वो भी एक डिप का लेवल है, सारे जितने सपोर्ट थे बिटकॉइन ने तोड़ दिए और जो $30,000 का एक सपोर्ट था वो भी ब्रेक करके बिटकॉइन 29, मतलब 20 की सीरीज भी हमने देख ली। और यहाँ पे अगर हम देखें तो बिटकॉइन आपको फिर से 20 की सीरीज दिखा सकता है, फिर से 29 या 28, 27 ये लेवल भी बिटकॉइन के आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इथेरियम की बात करें, इथेरियम भी 2300 पे चल रहा है, 2371 ये कुछ लेवल चल रहे हैं इथेरियम के। थोड़ी सी रिकवरी इथेरियम ने भी यहाँ पे की है और ओवरऑल पूरा मार्केट यहाँ पे डाउन है। अगर आप बाइनेंस कॉइन को देखेंगे तो $325 पे ट्रेड कर रहा है, $301 पे बाइनेंस कॉइन कल रात को पहुंच गया था। ये कुछ सिचुएशन आज क्रिप्टो मार्केट की चल रही है और इम्पैक्ट शिबा इनू पे ही पड़ा है और शिबा इनू भी यहाँ पे काफी अच्छा डाउन है। बात अगर करें शिबा इनू की तो शिबा इनू 12 और 16 की सीरीज पे चल रहा है और ये जो लेवल है डिप के लेवल है 11 की सीरीज पे ही पहुंच गया था। जी हाँ, 11 की जो सीरीज है वो हमको इंडियन रुपीस में देखने को मिल रही थी और यहाँ पे 14, 15 के लेवल कल दिख रहे थे, लेकिन आज थोड़ा सा यहाँ पे रिकवर हुआ है। शिबा इनू ने रिकवरी भी दिखाई है और एक रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है, स्ट्रॉन्ग रिकवरी हम कहेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे 16 के लेवल पे भी शिबा इनू चला गया था। अभी जो करंट मार्केट कैप है शिबा इनू का $9 बिलियन का है, सबके मार्केट कैप बहुत कम हुआ है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी करके दिखाई है और यहाँ पे एक अपसाइड भी दिखाया और यहाँ से थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल यहाँ पे रिकवरी करके दिखाई है, अभी भी बहुत डिप के लेवल्स हैं सभी कॉइन्स के। इसके अलावा टेरा लूना की अगर बात करें तो टेरा लूना यहाँ पे मार्केट के अंदर कुछ ऐसा क्रैश हमको देखने को मिला टेरा लूना का, और ये सब चीज़ पॉसिबिलिटीज ये सब हुआ है टेरा का जो USDT कॉइन है, मतलब जो स्टेबल कॉइन है, उसके कारण यहाँ पे ये सब चीज़ें हुई हैं। और एक फंड यहाँ पे आया और टेरा USDT जो कॉइन है वो भी गिर गया, उसके गिरते ही टेरा का भी ये हाल हो गया। और अभी जो करंट प्राइस चल रहे हैं टेरा के वो $29-$28 के समथिंग चल रहे हैं, मतलब 2,200-2,300 ये रुपये प्राइस पे आ चुकी है और काफ़ी अच्छा डिप के अंदर आ गई है टेरा लूना। 50% से भी ज़्यादा क्रैश हमको देखने को मिला टेरा का और टेरा इस टाइम पे रैंक कर रही है 14 नंबर पे रैंक कर रही है, 15 पे शिबा इनू है। अगर आप देखेंगे 11 पे डॉज कॉइन है, 12 पे एवलॉन्च है, 13 पे पोलका डॉट है, ये सब कॉइन्स भी डॉज कॉइन के बाद आ चुके हैं। मतलब सिचुएशन जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, फेर बदल हुए हैं, क्रिप्टो मार्केट यहाँ पे क्रैश एक फेस कर रहे हैं हम। और ये जो एक टाइम है, ये एक टाइम है अगर आपके पास कॉइन्स हैं, आपने कॉइन ले रखे हैं किसी भी प्राइस पे, तो यहाँ पे होल्ड करने का टाइम है, ज़्यादा टेंशन लेने का टाइम नहीं है। और अगर आपके पास कोई कॉइन नहीं है, आप लेना चाह रहे हो,
तो ये एक अच्छा मौका है, डिप का मौका मिस नहीं होना चाहिए, तो डिप में आप ले सकते हैं और ये बहुत अच्छे प्राइस टारगेट आपको सभी कॉइन्स के मिल रहे हैं। टेरा लूना भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल टेरा लूना जितनी क्रैश हुई है उतनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उतना ऊपर आपको जाती हुई दिख सकती है, तो आप टेरा लूना में भी जा सकते हैं। ये कुछ करंट हाल है क्रिप्टो मार्केट और शिबा इनू के और सभी कॉइन्स का, यह कुछ हाल चल रहा है। तो शिबा इनू ने एक रिकवरी भी दिखाई है और इस डिप के अंदर वेल्स बैक टू बैक शिबा इनू को खरीद रही हैं। तो कल हमने आपको एक अपडेट दिया था कि बॉम्बर वेल ने यहाँ पे 60 बिलियन शिबा इनू खरीदे हैं और यहाँ पे आज ब्लू वेल ने भी एक ट्रांजेक्शन किया। ब्लू वेल का ट्रांजेक्शन था 311 बिलियन का, तो इतने कॉइन्स ब्लू वेल ने भी खरीदे हैं। तो बैक टू बैक इस मार्केट डिप के अंदर, इस मार्केट क्रैश के अंदर भी वेल्स शिबा इनू को लगातार खरीद रही हैं और उनको भी पता है मार्केट रिकवर करेगा। आपको ये जो मार्केट अभी दिख रहा है ये टेम्परेरी है, कुछ टाइम और देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन एक अच्छा खासा डिप बनने के बाद मार्केट रिकवर भी करेगा। जितनी तेजी से मार्केट गिर रही है उतनी तेजी से आपको खड़ी होती भी दिखेगी, लेकिन थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम पे क्रैश का टाइम चल रहा है, डाउन ट्रेंड का टाइम चल रहा है। तो एक बार डाउन ट्रेंड का जो ये सफर है ये कंप्लीट होने दो, उसके बाद अप ट्रेंड का भी सफर आपको देखने को मिलेगा क्रिप्टो मार्केट में। ये कुछ सिचुएशन है, बहुत सारे लोग पैनिक भी हो रहे हैं, तो पैनिक नहीं होना है। बहुत सारे लोग जो क्रिप्टो में पहले से हैं वो इस चीज को समझते भी हैं, और जो नए लोग हैं उनके पास जो भी क्रिप्टो है जिस भी प्राइस पे लिया है आप होल्ड पे रहने दो, लॉस में सेल करके बाहर निकलने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। होल्ड करोगे तो अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, अगर आप पेशेंस रख सकते हो तो बिल्कुल होल्ड करो। तो बिल्कुल बॉम्बर वेल के बाद ब्लू वेल के भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और ये दोनों की जोड़ी आपको पता है पिछले कुछ टाइम से तकरीबन यहाँ पे 1 मंथ होने को आया जब से रॉबिनहुड की लिस्टिंग हुई है। ये दो वेल्स ऐसी वेल हैं, लाइट वेल भी है लेकिन उसके इतने ट्रांजेक्शन हमने नहीं देखे जितने ये दोनों वेल्स कर रही हैं। लगता है यही दोनों वेल्स सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रही हैं इस टाइम पे, इसके बाद और भी वेल्स आपको करती हुई दिख सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लगातार बाइंग हो रही है, अगर आप पिछले 24 घंटे की बर्निंग देखेंगे तो 166 मिलियन के अराउंड जो है शिबा इनू बर्न भी हुए हैं, और बर्न पोर्टल की अगर बर्निंग की हम बात करें तो बर्न पोर्टल से भी ज़्यादा नंबर बर्न का नहीं आया है। अगर आप देखेंगे काफ़ी स्लो बर्निंग हो चुकी है यहाँ पे, जैसे मार्केट क्रैश हुआ तो बर्निंग भी यहाँ पे शिबा इनू की थोड़ी सी स्लो हुई है बर्न पोर्टल के जरिए। तो यहाँ पे 26 बिलियन टोटल जो टोकन्स हैं वो जा चुके हैं सर्कुलेशन से बाहर शिबा इनू के बर्न पोर्टल से। ये कुछ बड़ी चीज़ें चल रही हैं और यहाँ पे शिबेरियम और गेम को लॉन्च करने की तैयारी है। शैतोशी कुसामा जो लीड डेवलपर हैं शिबा इनू के, वो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं ये दो जो प्रोजेक्ट हैं इनको लेके आने की। और मार्केट का थोड़ा सा मोमेंटम आपको अच्छा तभी दिखेगा जब आप थोड़ा वेट करेंगे, और मई का जो मंथ है वो आपको क्रैश देखने को मिल सकता है, मतलब क्रैश में ही निकल सकता है पूरा मई का मंथ, क्योंकि पिछला मई का मंथ भी अगर आप देखेंगे 2021 जून जुलाई ये जो मंथ रहे हैं, पिछली नेक्स्ट ईयर भी आप देखेंगे 2021 में, तो हो सकता है वही सीरीज हमको वही साइकिल फिर से देखने को मिल जाए। तो मई का मंथ बेहद ज़रूरी है, और जहां तक चीज़ें समझ आ रही हैं, जहां तक चीज़ें हो रही हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, तो मार्केट और भी डाउन जाता हुआ दिख सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल डाउन ही जाता जाएगा, रिकवरी भी होगी क्योंकि इस टाइम पे खरीदारी भी हो रही है, वो लोग बाय भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे जैसे टेरा का क्रैश आया बहुत सारे कॉइन्स को बाय कर रहे हैं। अब शिबा इनू भी क्रैश हुआ है तो शिबा इनू को भी खरीदा जा रहा है, अभी 200% से ऊपर चल रही है ट्रेडिंग वॉल्यूम शिबा इनू की, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, कॉइन्स में वॉल्यूम ज़रूर आ रहा है लेकिन इतना वॉल्यूम नहीं आ रहा कि पूरा क्रिप्टो मार्केट एकदम से ऊपर चला जाए, उसके लिए थोड़ा सा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। बस यहाँ पे लोग जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहेंगे यहाँ पे जितने प्राइस डिप के अंदर आए हैं सबका फ़ायदा उठा रहे हैं जो। और शिबा इनू में भी यही है कि अब शिबा इनू क्रैश हुआ है तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं क्या करें, सेल करके निकल जाएं या और खरीदें। अगर आपके पास कुछ फंड हैं तो बिल्कुल आप शिबा इनू को खरीद सकते हो, जितना आप डिप में लोगे और होल्ड करोगे। जब भी बुल मार्केट स्टार्ट होगी तो शिबा इनू आपको ऐसा बुल रन दिखाएगा आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन उसके लिए वही बात है आपको वेट करना पड़ेगा। तो यही कुछ चीज़ें हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, रिलैक्स हो जाइए और यहाँ पे परेशान ये टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट अपने बिहेवियर आपको दिखाएगा, मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। तो थोड़ा यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है और ये सिचुएशन थोड़ा टाइम आपको मई मंथ के अंदर, पूरा मई मंथ ऐसे ही निकल सकता है, तो इसके लिए थोड़ा तैयार रहें। आगे जो अपडेट रहेगी क्रिप्टो मार्केट को लेकर, शिबा इनू को लेकर,
आपके साथ शेयर करते रहेंगे। यही कुछ चीज़ें थी क्रिप्टो मार्केट शिबा इनू क्रैश इस टाइम पे चल रहा है। जो अपडेट होगी टेलीग्राम पे भी आपको मिलती रहेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए वो भी आप ज़रूर बताना। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। किसी भी क्रिप्टो या शिबा इनू में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद से रिसर्च कर लें, वो बेहद ज़रूरी होती है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।